नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। भाई 2 मिनट के अंदर ये वीडियो बना रहा हूं, 2 मिनट के अंदर। 5 नवंबर 2024 आज एक न्यूज निकल के सामने आ रही है। सीधा सीधा कह रहे रिजल्ट डेट इसका अनाउंस हो चुका है और ये 5 नवंबर 2024 को अभी यहाँ पे देखिए मेरे लैपटॉप पे नीचे एक साइड में 5:01 हो रहा है और 5:01 हो रहा है और यहाँ पे देखेंगे ये अपडेट 5 नवंबर 2024 को 16:58 पे यहाँ पे आया है। मतलब 3 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो बनाया हूँ और 2-3 PDF वहीं लगाने में थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लग गया। तो 3 मिनट के अंदर अंदर मैं केवल रिजल्ट अनाउंसमेंट वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो रिजल्ट जब आएगा तब भी मैं इसी तरह से फास्ट अपडेट आप लोगों को दे दूंगा, जब भी आएगा, सुबह दोपहर शाम कभी भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि नहीं कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसे वैसे। यहाँ पे दोनों टाइम आप मैच कर लीजिएगा कितने मिनट का अंतर है। अब देखिए रिजल्ट इसका कब आने वाला है इसको सबसे पहले हम लोग सीधा सीधा देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लपड़ चपड़ करना नहीं है। कंपनी ने कहा है कि मीटिंग हम एक शेड्यूल कर रहे हैं अपने बोर्ड डायरेक्टर की, बोर्ड मेंबर की जो भी है मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं और इस मीटिंग में हम जो है अप्रूव करेंगे अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट इस क्वार्टर का और हाफ ईयर वाला भी, छमाही वाला भी रिजल्ट आएगा, पहले छमाही का और दूसरे जो है तिमाही का रिजल्ट यहाँ पे 30 सितंबर 2024 वाला आने वाला है। इनसाइडर ट्रेडिंग वोडिंग पहले से ही क्लोज कर दी गई है तो रिजल्ट के बाद ओपन कर दी जाएगी। जो कंपनी ने रिजल्ट डेट अनाउंस किया है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है रिजल्ट सीजन समाप्त होने में, 12 नवंबर 2024, यहाँ पे देखिएगा आप लोग 12 नवंबर 2024 को कंपनी ने ट्यूसडे के दिन अपना रिजल्ट डेट अनाउंस किया है। तो जब भी 12 नवंबर 2024 को रिजल्ट इसका आएगा, चाहे वही बता रहा हूँ सुबह दोपहर शाम कभी भी आए, रात में बस 10 बजे के बाद नहीं आना चाहिए, उसके पहले मैं कभी भी वीडियो तुरंत आप लोगों को बना के दे दूंगा, ये मेरे साइड से गारंटी रहेगा। और आप लोगों को पता भी है, अभी तो बताया ही हूँ कि अभी 2 मिनट के अंदर ये अपडेट आप लोगों को दे रहा हूँ। क्वेश्चन बन जाएगा कि रिजल्ट कैसा आया है पीछे और कैसा आना चाहिए, ठीक है ना। तो 12 अक्टूबर 12 नवंबर को क्या होना चाहिए, तो देखिए लॉस कंपनी का अगर कम हो जाए तो ठीक है, प्रॉफिटेबल कंपनी बनने में तो मेरे हिसाब से भी समय लगेगा। अगर पिछले 8-10 क्वार्टर से हम लोग देखेंगे तो लगातार इसको 200 करोड़ के अराउंड अराउंड, कभी 300 करोड़, कभी कभी तो 400-700 करोड़ तक का भी इसको लॉस हुआ है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन जो सबसे कम मुझे दिख रहा है वो जून 2023 का दिख रहा है 100 करोड़। तो अगर 100 करोड़ से कम का लॉस कंपनी बुक करे तो ये अच्छी बात रहेगा, थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी आए, 36% 36% 40% भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट था तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। दिक्कत कहाँ पे है ना, कंपनी को इंटरेस्ट ही भरना पड़ रहा है 200 करोड़ कंटिन्यू। पिछले 10 साल से अगर 10 क्वार्टर से देखेंगे तो 200 200 200 200 230 करोड़ के आसपास इसको जो है हमेशा इंटरेस्ट ही भरना पड़ा। डेट इतना ज़्यादा हो गया कि वही जो इंटरेस्ट है इसका जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो नेट टू नेट देखेंगे तो कंपनी जो है बिल्कुल फिट है, लेकिन वही जो इंटरेस्ट कंपनी को भरना पड़ता है और वही इंटरेस्ट जो है यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 200 करोड़ का कंपनी ने इंटरेस्ट भरा और 200 करोड़ माइनस में है कंपनी, तो वही चीज है, डेट का सारा माजरा जो है फंसा हुआ है। डिटेल में एनालिसिस करेंगे हम लोग आगे। फिलहाल में देखेंगे तो वही 14.5 करोड़ 14.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है, 31 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज कम है भाई, 26% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने यहाँ पे आ रहा है, तो देख लीजिएगा आज 5% के आसपास की तेजी देखने के लिए मिली है। चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे मैं आप लोगों को सब कुछ कंडीशन समझा चुका हूँ, बस अब 1-2 हफ्ते की बात है। आज 5 तारीख हो ही गया, 12 मतलब 1 हफ्ते 5 ट्रेडिंग सेशन और इंतजार कर लीजिएगा आप लोग, फिर उसके बाद खुद रिजल्ट बता देगा कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। फिलहाल में जो मैं सपोर्ट बताया हूँ आप लोगों को, 1.70 रुपये का सपोर्ट रहेगा और 1.70 रुपये के डिप पे खरीदारी करना है। लॉन्ग टर्म वाले बिंदास खरीदारी करके होल्ड करेंगे इसको, जिनको स्टॉप लॉस लेना है वो 1.70 रुपये 1.75 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो 1 रुपये का नीचे का भी स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। टारगेट 5 रुपये और ऊपर की साइड में 7 रुपये, ये 2 टारगेट रहने वाला है। देखेंगे आगे भी मैं वीडियो बनाता हूँ, लाइक करिएगा आप लोग, ठीक है ना।